बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, आज इतनी गर्मी में भी हम आपके लिए इतने दूर आए हैं वीडियो बनाने के लिए। आई होप आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों इतने सारे मैसेजेस आपने भेजे कि सर ग्रेजिया का एक वॉक अराउंड वीडियो बना दो, तो भाई ये लो, ये खड़ा है मेरे सामने यार, ग्रेजिया का BS6 वर्जन, और इसका वॉक अराउंड बनाने आया हूँ मैं अपने शहर हल्द्वानी से 80 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में जो है काशीपुर। और ये मैं खड़ा हूँ इंदर होंडा में, जो यहाँ काशीपुर में होंडा का शोरूम है, मैं इसकी डिटेल्स मुझे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और आज वीडियो में मेरे साथ हैं मिस्टर करमजीत सिंह जी, जो यहाँ शोरूम के मैनेजर है। तो करमजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं इसका वॉक अराउंड थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दूंगा, स्कूटर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, मगर बाद में पहले मैं करमजीत सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि सर आप मुझे ये बताइए, और बल्कि मुझे क्या दर्शकों को भी ये बताइए कि उन लोगों ने मेरे चैनल पर बहुत सारे 125 सीसी के स्कूटर देख लिए हैं, और वो लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि मैं बर्गमैन चलाता हूँ, और मैं बर्गमैन को खुला रिकमेंड करता हूँ, सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप बर्गमैन परचेस करो। ग्रेजिया का राइडिंग का मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, BS4 का मैंने चलाया है स्कूटर, मेरे एक बहुत ही खास के पास है। तो मैं आपसे सर ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस स्कूटर को लोग क्यों खरीदें? इस स्कूटर को लोग इसलिए खरीदेंगे स्टाइलिश और स्कूटर से ज़्यादा स्टाइलिश है। LED लाइट आ गया इसमें, बिल्कुल सस्पेंशन अच्छी आ गई, डिस्क ब्रेक दे दिया इसमें जी, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है इसमें, कॉम्बो ब्रेक है, कॉम्बी ब्रेक दोनों ब्रेक है जी। अगर आप फ्रंट लगाते हैं फ्रंट ही लगेगा सर। दूसरा इसमें ग्लव्स बॉक्स दिया है इसमें, जो और स्कूटरों में नहीं है फ्रंट में। हाँ बिल्कुल, इसमें आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, यहाँ पर आपको एक ग्लव बॉक्स भी आपको फैसिलिटी मिलती है। BS4 में आपको यहाँ पे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग लिड मिलती है, और दूसरा इन्होंने यहाँ पे स्विच में यहाँ से ही फ्यूल का ओपन हो जाएगा, यहीं से सीट का ओपन। तो यहाँ पर आपको इसमें मल्टी फंक्शनल स्विच मिलता है, मतलब स्विच में भी आपको मल्टी फंक्शनल स्विच मिलता है, जिसमें आप यहाँ पर फ्यूल सीट ऑन ऑफ इग्निशन हैंडल लॉक सब कर सकते हैं, सारे ऑप्शन दे रखे ना, आप नीचे करेंगे इसमें एक स्विच और ऑफ हो जाएगा, इसमें सीट करेंगे तो सीट खुल जाएगी, सीट ओपन हो गया आपका, ये ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों ये मेरे को कंफ्यूजिंग लगता है, और बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत करी थी कि होंडा का जो ये स्विच है थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, तो ठीक है थोड़ा सा और इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टार्टिंग में लगता है, स्टार्टिंग में हाँ आपको आदत पड़ जाएगी बिल्कुल, आने वाले स्टार्टिंग में लगता है जी बिल्कुल। दूसरा इसमें आप इसको ऊपर प्रेस करेंगे आपको फ्यूल खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा फ्यूल की आपको उतरना, पहले जो था पहले उतर के फ्यूल डलवाना था, अब उतरना नहीं पड़ेगा आपको, बैठे बैठे फ्यूल डलवा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको फ्यूल लिड भी प्लास्टिक की मिलती है, और इसके अंदर आपको जो मिलता है इसमें कवर, वो बस आप घुमा के मेटल का कवर है, और आप इसमें फ्यूल भरवाइए, बंद कर दीजिए, और वाह बहुत ही आसानी से बंद हो गया, तो बढ़िया इसमें फ्यूल लिड दे रखी है। और सर और क्या रीज़न है? सर स्पोर्ट लुक दीजिए इसमें, बिल्कुल स्पोर्टी लुक, तो सर मैं इस चीज़ के लिए मानता हूँ कि यार लुक उसका बहुत अच्छा है, फ्रंट से आप स्कूटर को देखोगे तो आपको इस स्कूटर को देखने में प्यार हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत इसमें ऊपर की जो एक ट्विन LED सेटअप दे रखा है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जी, बहुत अच्छी चीज़ राइट, और ये जलाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, काफ़ी मतलब एक स्कूटर के हिसाब से काफ़ी एग्रेसिव लुक दिया हुआ है इसका। हालांकि मेरे को लोगों से शिकायत सुनने में आई थी कि इसकी जो हेडलाइट है थोड़ी सी अंधेरे में कम है, मैं चाहूँगा कि मैं इसका एक हेडलाइट टेस्ट भी करूँ आगे चल के। आप कर सकते हैं सर, कम नहीं है वो, कस्टमर को ये लगता है कि एक तो यहाँ जो लाइट होती है वो स्टेयरिंग घूमता है तो लगता है ज़्यादा है, ठीक है ये सिंगल करेगा आपको फोन, ठीक है मतलब आपके हिसाब से इसकी जो रोशनी है वो कम नहीं है? कम नहीं है, एक एक रहती है इसमें, इसलिए आपको लगता है कम। तो दोस्तों आप लोगों को जो शिकायत आई थी कि इसकी हेडलाइट की रोशनी थोड़ी सी कम है ग्रेजिया की, मैं आपको बता दूं सर के हिसाब से रोशनी कम नहीं है, मैं इसका नाइट हेडलाइट टेस्ट भी करूंगा जैसे मेरे को मौका मिलेगा, आज तो ये पॉसिबल नहीं है, बट जल्दी मैं आपको करके दिखाऊंगा इसकी हेडलाइट टेस्ट बर्गमैन के साथ। और इसके अलावा फुल डिजिटल मीटर दीजिए इसमें, बिल्कुल डिजिटल मीटर तो मैं खैर जो कि सभी स्कूटरों में नहीं होता, सभी स्कूटरों में नहीं होता, और दूसरा इसमें आपका एवरेज भी बताएगा
कितने किलोमीटर में कितना एवरेज आया है, रेंज बताएगा, कितना इसमें फ्यूल है, कितने किलोमीटर और चला जाए, ठीक है, डिस्टेंस टू एमटी और स्कूटर की रेंज और माइलेज, एवरेज माइलेज सब आता है इसमें, सब आता है, ठीक है, सर्विस इंडिकेटर भी, सर्विस बताएगा सर्विस वाला, ओके ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको इस स्कूटर में मिलती है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा अगर सर कंपटीशन से बात करें तो मैंने देखा इसके अंदर काफ़ी सारी फीचर्स हैं जो मतलब आपको होंडा के स्कूटर में मिलती है, जैसे इसमें आपको सिलेंडर स्टार्ट मिलता है, उसके बाद साइड स्टार इंजन कट ऑफ मिलता है, हालांकि ये साइड इंजन कट ऑफ आपको यामा के स्कूटर्स में भी मिलता है, और इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, और पावर और टॉर्क की वैल्यूज कंपैरिजन अगर हम करें उनसे तो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है, और पिकअप वगैरह की वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, थोड़ा बहुत, हाँ वो ना के बराबर है, मगर चलाने में पिकअप मेरे को इसका ठीक दिखाई दिया। तो सर अगर मैं इनको इसको कंपटीशन से कंपेयर करूँ तो कंपटीशन से क्या एज है होंडा के इस ग्रेजिया के ग्रेजिया में? सर मेन तो ये आता है कि होंडा, बिल्कुल दोस्तों होंडा इज़ होंडा, हर वीडियो में बोलता हूँ होंडा इज़ होंडा, तो नाम ही काफ़ी है, होंडा इज़ होंडा ही, बिल्कुल इंजन का भरोसा है, होंडा का भरोसा है, आपको पता ही है यार नाम में आपको रीसेल वैल्यू मिल जाती है, तो इस वजह से, और उसके बाद लुक और बाकी फीचर्स में भी नो डाउट इस स्कूटर में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें मिलती हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को ये चीज़ें बताने के लिए। अब मैं दोस्तों आपको उसका जल्दी से वॉक अराउंड दे देता हूँ, तो मैं वॉक अराउंड आपको बहुत छोटा सा और बहुत जल्दी से दूंगा क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। आपको यहाँ पर ऊपर बहुत खूबसूरत से इसमें स्प्लिट एलईडी हेडलाइट मिलते हैं, ऊपर का वाइजर भी इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद आपको आगे की तरफ यहाँ पर जो इसका बहुत ही बड़ा वी शेप में हेडलाइट सेटअप मिलता है, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड टर्निंग इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये आप देखिए वो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी सुंदर हैं देखने में, काफ़ी ज़रा अच्छे लगते हैं, इसका ब्लू कलर है, और हालांकि बस एक यही इसमें दिक्कत है कि आपको ये पूरा स्कूटर फाइबर बॉडी के साथ मिलता है, और ये भी इसका फेंडर जो है ये भी ABS का है, और ये भी इसमें मेटल का नहीं मिलता आपको, आगे की तरफ आपको इसमें जो टायर मिलेगा वो MRF का मिलेगा, वही आपका रेगुलर टायर है, 90mm चौड़ा और 12 इंच का टायर है, बट हाँ खास बात यह है कि आपको इसमें जो अलॉय व्हील मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश मिलती है, ब्लैक कलर की इसमें आती है, और आप दूसरी साइड से देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें डिस्क ब्रेक मिलता है जो इसका डीलक्स वेरिएंट में है, जो इसका बेस वेरिएंट है स्टैंडर्ड है उसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता। इसके बाद आपको इसमें यहाँ पर रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्टर लगे हुए मिलते हैं, और आपको मिलते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। इसके बाद अगर आप इसको साइड प्रोफाइल से देखोगे तो यहाँ पर आपको इसमें एक काफ़ी बड़ी सी इन्वर्टेड वी प्लास्टिक की इंसर्ट मिलती है, इसमें आपको ये सिल्वर कलर की है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके दूसरे कलर्स में आपको ये दूसरे कलर की ही मिलेगी। इसके बाद इस स्कूटर में जो सबसे बढ़िया चीज़ लगती है वो है इसके फ्लोर बोर्ड के नीचे का पोर्शन में आपको यहाँ पर होंडा का बहुत ही बड़ा सा स्टिकर लगा हुआ मिलता है, ये चीज़ मुझे हमेशा फैसिनेट करती है स्कूटर में, बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके बाद इसका जो फ्लोर बोर्ड का स्पेस है वो भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगा, नी केबिन भी काफ़ी अच्छा है इस स्कूटर में। इसके बाद आप साइड में चलेंगे तो यहाँ पर आपको HET का स्टिकर लगा हुआ मिलेगा, और सबसे खूबसूरत स्कूटर में सबसे स्टाइलिश जो आपको लिखा हुआ मिलता है वो मिलता है ग्रेजिया। इसी तरीके का जो इसका दूसरा स्कूटर आता था एविएटर, उसमें भी आपको काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पर एविएटर का लोगो लगा हुआ मिलता था, तो ये चीज़ मुझे इसमें बहुत ही अच्छी लगी। इसके बाद आप इसका जब पूरा ये साइड प्रोफाइल देखेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे कर्व्स मिलते हैं, काफ़ी सारे एजेस मिलते हैं, तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल भी स्कूटर की डैशिंग लगती है। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा इसका रियर प्रोफाइल में आपको मिलती है इसमें स्प्लिट रियर ग्रैब्स, जो हालांकि मेरी पर्सनल चॉइस है स्कूटर्स में नहीं होनी चाहिए थी, बट ठीक है स्प्लिट रियर ग्रैब्स मिलती है, पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिलती है जो आपने देख ही ली, ये अभी हमने आपको खोल के दिखा दी, सीट भी आपने देख ली, काफ़ी बड़ी सीट है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है, कुशन भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया है होंडा ने। आपको दिखाता हूँ मैं इसका टेल का पोर्शन, तो टेल लाइट आप देखिए इस स्कूटर में आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश मिलती है, अभी तक तो मैंने फ़ोटोज़ में ही देखी थी, मगर सामने से देखने में भी ये टेल लाइट बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। आपको इसमें टर्निंग इंडिकेटर साइड में दिए हैं होंडा ने, और ये काफ़ी एलिगेंट लगते हैं, तो आपको इसमें काफ़ी खूबसूरत सी इसमें टेल लाइट दी है जो दो पार्ट में दी हुई है होंडा ने, यहाँ पर काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। इसके बाद इसका मफलर आप देखेंगे साइड में, तो मफलर भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा क्योंकि मफलर के ऊपर भी इसमें आपको एक सिल्वर कलर का कवर दे रखा है, तो यहाँ आपको ओवरऑल डुअल टोन कलर में मिलता है इसका मफलर। फिर मैं आपको बात करूँगा इसके मीटर वाले पोर्शन की, तो जो आपने देख लिया इसमें आपको डुअल मीटर मिलते हैं BS4 में,
जो नीचे का मीटर था ये बहुत ही ज़्यादा ऑड कलर में आता था, वो देखने में अच्छा नहीं लगता था, मगर BSS में होंडा ने इसके कलर को सुधारा है, इम्प्रूव किया है, तो ये आपको यहाँ पर देखने में काफ़ी ज़्यादा पहले के कंपैरिजन में बेटर दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलता है, यानी आपका जब स्कूटर 3 सेकंड के लिए ट्रैफिक में खड़ा हुआ होगा, आप इसको रोकेंगे 3 सेकंड के लिए रोक देंगे तो क्या होगा, आपका स्कूटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली बंद, फिर आप ब्रेक छोड़ेंगे तो आपका स्कूटर दोबारा से चालू हो जाएगा, उसके लिए आपको इसको ऑन मोड में रखना होगा। बाकी इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल सिंपल ही है, कुछ इसमें ऐसा खास स्पेशल नहीं है। यहाँ पर आपको एक ग्लोव बॉक्स मिलता है जिसमें आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, और काफ़ी बड़ा काफ़ी गहरा ग्लोव बॉक्स है, काफ़ी ज़्यादा जगह है दोस्तों इसमें, देखो कितने नीचे तक मेरा हाथ चलेगा, काफ़ी बड़ा यहाँ पर स्पेस दे रखा है होंडा ने। बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों आज, इतनी गर्मी में भी हम आपके लिए इतने दूर आए हैं वीडियो बनाने के लिए, आई होप आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। और एक चीज़ अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड सस्पेंशन मिलता है पीछे की साइड में, जो ये सस्पेंशन भी आपका 3-स्टेप एडजस्टेबल है, आप यहाँ पर इसमें देख रहे होंगे मार्किंग्स, यानी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सीट की हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। पीछे का टायर मैंने आपको शायद नहीं बताया, ये आपको 10 इंच का 90 मिलीमीटर चौड़ा मिलेगा, ऑर्डिनरी टायर है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं, और पीछे का भी हमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। दोस्तों ये था बहुत जल्दी मैं इस स्कूटर का वॉक अराउंड, लास्ट में मैं आपको इसके प्राइसेस बता देता हूँ। सो इसमें आपको टोटल 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, और मैं प्राइसेस की बात करूँ तो जो स्टैंडर्ड है इसका बेस मॉडल जिसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलता है और उसमें अलॉय व्हील्स नहीं आती, स्टील व्हील्स आती है, उसका एक शोरूम है 73,985 रुपये, इंश्योरेंस RTO और एक्सटेंडेड वारंटी लगा के ये बैठता है ऑन रोड 89,785 का, एक शोरूम है 73,985, ऑन रोड है 89,785। लास्ट से बात करूंगा डीलक्स की, तो डीलक्स का एक शोरूम है 81,052 रुपये और इंश्योरेंस RTO और एक्सटेंडेड वारंटी मिला के ये बैठता है 97,556 रुपये, और अगर मैं इंग्लिश में बताऊंगा तो 81,052 रुपीज़ एक शोरूम और 97,556 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस है इसकी यहाँ पर काशीपुर में। वीडियो के अंत में मैं करमजीत सिंह जी का और इस शोरूम के ओनर मिस्टर जितेंद्र सिंह जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें परमिशन दी जिससे कि मैं ग्रेजिया का BS6 का वॉक अराउंड वीडियो आपके लिए लेकर आ सका। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अब आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे कि आशीष अपने सब्सक्राइबर्स की भी बात सुनते हैं, मैं आपके लिए आया हूँ हल्द्वानी से इतनी दूर, तो थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक कर दो यार, सपोर्ट दिखा दो, इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।